हमारा 1,000 रुपए का नुकसान हो चुका है, तो हमें 1,000 रुपए चाहिए हमारे सारे। गोल्डन बॉय को खांसी आ रही है, इनको दवाई खिलाई जाएगी अभी थोड़ी देर से। Right now, press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं जाने वाला हूँ दिल्ली, और दिल्ली ये ट्रेन से मैं जा रहा हूँ, और वहाँ पर बहुत सारा हम ब्लॉग्स बनाने वाले हैं, डांस के वीडियो बनाने वाले हैं। तो इस ट्रेन से जाएंगे, ये भाई भी हमें मिल चुके हैं यहाँ पर। मैं अकेला जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर भाई मेरे साथ में अभी बैठे हुए हैं, और हम अंदर चलते हैं। मैं अंदर दिखाऊंगा आपको कि मैं कहाँ बैठने वाला हूँ, जहाँ मेरी सीट है और मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो मेरी एफ में है सीट, यहाँ पर मैं अंदर जाने वाला हूँ। गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अपनी सीट पर आ चुका हूं, और मैं अपनी सीट पर बैठ चुका हूं, और यहां पर दो भाई लोग हैं जो मेरे साथ सफर करने वाले हैं। तो भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सचिन भाटिया। और आपका नाम? अमित शर्मा। अमित शर्मा जी और सचिन भाटिया मेरे साथ में हैं, हम लोग साथ में आप सफर करने वाले हैं और दिल्ली पहुंचने वाले हैं कल सुबह। हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूं दिल्ली, और दिल्ली से यह आप देख रहे हैं सराय काले खान निजामुद्दीन स्टेशन। ये मेट्रो स्टेशन है, और जो कि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, एकदम पास में है, और यहां से हम जाने वाले हैं लाल किला। लाल किला के लिए मेट्रो लेंगे, और मेट्रो से सीधे जाएंगे हम लाल किला। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि कैसा है यह मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ से हम लेने वाले हैं टिकट। चांदनी चौक पर एक गुरुद्वारा है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, यहाँ बहुत भीड़ रहती है, और इसी से हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे सामने, वहाँ पर लाल किला है। तो हम चलते हैं पहले चांदनी चौक, और फिर चांदनी चौक पूरे इंडिया में फेमस है, इंडिया से ज़्यादा बाहर में फेमस है, सब जानते हैं। चांदनी चौक एक ऐसी जगह है, ऐसा चौराहा है जिसके बारे में हर कोई जानता है। बहुत ही ज़्यादा क्राउड वाला एरिया है, इसे कहते हैं चांदनी चौक टू चाइना, मूवी बनी थी आईना। ये आमने बिल्कुल, ये देखिए, ये है लाल किला जहाँ हम पहुँचेंगे अभी। और ये देखिए, चांदनी चौक में इतना भीड़ है, यहाँ हर चीज़ मिलती है, यहाँ महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ते चीज़ मिल सकती है। तो इस एरिया में हमेशा लोग आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, और यहाँ बहुत भीड़ होती है, और इवनिंग टाइम में कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है। तो ये सामने से मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर देखिए, यहाँ मार्केट की तरफ थोड़ा सा मैं आगे की तरफ लेके चलता हूँ आपको। सेल लगा है, 40 रुपए की टाई है। ये यहाँ का मार्केट है, यहाँ कपड़े भी मिलते हैं, जूते भी मिलते हैं, मतलब यहाँ हर एक चीज आपको मिल जाएगी जो आपको चाहिए। अंदर बहुत बड़ा मार्केट भी है, इसके अंदर यहाँ थोक का मार्केट भी है, इसके पास है, और इलेक्ट्रिक का भी बहुत सारा सामान यहाँ पर मिलता है। और इसके साथ साथ यहाँ भीड़ तो देखिए हमेशा मिलेगी, एक कुछ है। आप पढ़ सकते हैं, कल मेरी जीएम बनी है, आज उसने मुझसे 1,000 रुपए मांगे, आप हाँ बताओ उसको जीएम मानूंगा, पैसे खाने वाली सब लड़कियों से सावधान। और हेलो गाइस, मेरे ब्लॉग में 1,000 रुपए का नुकसान हो चुका है, इनका 1,000 का नुकसान हो चुका है, और 1,000 देखिए क्या किया है आप देख रहे हैं। तो हमें 1,000 रुपए चाहिए हमारे सारे, तो हाथ ला दिया, हमारे 1,000 रुपए हो जाएंगे। भाई ने किया था लड़कियों से सावधान, तो भाई सावधान नहीं की लड़कियां, तो हमारी बहन भी है, माँ भी है, उनसे भी सावधान रहना पड़ेगा। दूसरे वे पे चलिए, ओके चलिए, ये चीज दूसरी है, बहन क्या है, ओके। और इसकी कोई जीएफ नहीं है, जिसकी इसकी एक जीएफ है, उसी से शादी करने वाले। यहाँ बात ही खत्म हो गई है, के लिए बनाए जिसलिए आप घर बैठ के भी हंस सको, ओके। ये इसलिए था, आप लोग ज्यादा सीरियस मत ले लेना, कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, बात को समझिएगा। तो दोस्तों, हम यहाँ देखिए शंकर जी का ये बहुत ही शानदार मंदिर है, और ये मंदिर के सामने, यहाँ पर सामने की तरफ आपको लाल किला दिख रहा है, वहाँ से लाल किला में आज कुछ प्रोग्राम भी हो रहा है। और सबसे पहली बात मुझे एक चीज दिखी है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हो रही है, वो है ये गोल्डन बॉय। गोल्डन बॉय को खांसी आ रही है, इनको दवाई पिलाई जाएगी अभी थोड़ी देर से। बात आप करते हैं क्या सर, आप कुछ ये इशारे से जो भी बात करते हैं इशारे से। हेलो, आपका नाम क्या है? लगता है ठंडी के कारण थोड़ा अकड़ चुके हैं, इसलिए बात नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ काम से खड़े हुए हैं, ऐसा मैं मजाक में बोल रहा हूँ, सीरियस मत लीजिएगा।
यहाँ पर गोल्डन बॉय यहाँ पर देखिए खड़े हुए हैं, और मैं बताना चाहूँ कि आप अगर कोई हेल्प करना चाहते हैं तो उनको ये स्कैनर है, यहाँ पर उनको हेल्प कर सकते हैं आप। भाई साहब की आप अगर हेल्प करना चाहते हैं तो मैंने स्कैनर भी पहुँचा दिया है, प्लीज आप उनको जरूर हेल्प। हेलो दोस्तों, आ गए हम लाल किला के सामने, और यह टिकट घर है, यहाँ से टिकट लेकर हम अंदर चलेंगे। ये जो गेट दिख रहा है, यहाँ से होने वाली है हमारी एंट्री। इन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर प्रधानमंत्री 26 जनवरी और 15 अगस्त में झंडा लहराते हैं। यह जो बाजार देख रहे हैं, यह बहुत ही ज्यादा पुराना है, और यहाँ पर रानियां आकर सामान खरीदा करती थी। दोस्तों, तो यह है यहाँ का नया म्यूजियम, जहाँ नाटक के द्वारा पूरी कहानी दिखाया जाता है, और यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, तो यहाँ आप चाहें तो कुछ खा सकते हैं। यहाँ पर लगता था राजा का दरबार, और सामने हजारों लोग खड़े हो जाते थे राजा के दरबार में। दोस्तों, इसे कहते हैं रंगमंच। यहाँ पर राजा महाराजा बैठते थे और मनोरंजन की चीजें देखा करते थे, डांस नाटक ये सारी चीजें यहाँ पर हुआ करती थी। यह है राजा का प्रमुख महल, जिसे राजा बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे, और इसे दीवाने खास के नाम से जाना जाता है। यह है सावन भादव महल, जिसे कि हिंदू कैलेंडर के दो मानसून के नामों से रखा गया है। यह जो छोटा सा महल दिख रहा है, इसका नाम है जफर महल, जिसे कि बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। और यहाँ पर जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर पूरे में पानी भरा हुआ करता था। इसे कहते हैं मुमताज महल, जो कि राजा की बेगम के नाम पर बनाया गया है। हेलो गाइस, तो लाल किला का यह ब्लॉग कंप्लीट होता है, और ब्लॉग बहुत ही अच्छा बना है। आपको भी अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और दिल्ली के बहुत सारी जगह में मैं अभी ब्लॉग बनाने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं ऐसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।